इन दिस मॉड्यूल वी विल कंटिन्यू विद द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स एज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट फ्यू मॉड्यूल द प्राइमरी स्ट्रक्चर कि प्राइमरी स्ट्रक्चर वो है जिसमें सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स जो है ना वो डिफाइन होता है जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने डिफाइन किया था कि कैसे ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है इसमें हमने अल्फा हीलेक्स को डिफाइन किया था इस मॉड्यूल में हम अल्फा हीलेक्स को डिटेल में देखेंगे इसी तरह बीटा प्रिंटेड शीट्स जो हैं उसको देखेंगे तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी में क्यों जाता है वो उसकी क्या रीजंस हैं वो रीजंस हम इस मॉड्यूल में जो ब्रीफली डिफाइन करेंगे द अमाइनो एसिड रेज्यूज इंक्लूडेड इन द अल्फा हेलिक्स हैव एन इंट्रेंसिक प्रोपेंसिटी टू फॉर्म एन अल्फ़ा हेलिक्स रिफ्लेक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर आर ग्रुप्स के जो अल्फ़ा हेलिक्स बनाते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में वो अमाइनो एसिड्स वो वाले होते हैं जिनकी जो जो है वो कन्वर्शन या नॉर्मल उनकी टेंडेंसी जो है वो अल्फ़ा हेलिक्स बनाने में है वो क्यों है कि उनकी जो है ना नॉर्मल टेंडेंसी क्यों है या कि उसकी इंक्लिनेशन क्यों है जिसे हम प्रोपेंसिटी इंट्रेंसिव प्रोपेंसिटी बोलते हैं वो क्यों है कि वो अल्फ़ा हेलिक्स बनाते हैं बीटाप्रेट शीट से बनाते वो डिपेंड करती है उनके आर्गोस कि वो एलिफेटिक हैं या साइड चेंज उनकी किस तरह है वी विल डिस्कस

तो हमने कहा है कि इसके अंदर नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेंज और इसमें मोस्ट अबंडेंट इज द एलानिन अदर आर द वेलाइन लियोसिन आइसो एंड मिथियोन अमाइनो एसिड मोस्ट कॉमनली फाउंड इन अल्फ़ा हेलिक्सिस आर नॉन पोलर विद एलिफेटिक साइड चेंज एंड हमने कहा कि एलानिन जो है इसकी ग्रेटेस्ट टेंडेंसी ten है टू फॉर्म द अल्फा हेलिक्स

कन्फिग्रेशन नहीं बनने देंगे उसके क्वाइल्स उस तरह नहीं बनेंगे क्योंकि हमने पहले डिफाइन किया था कि अल्फा एलिक्स में फर्स्ट और फोर्थ एवरी फोर्थ और फर्स्ट एसिड्स के दरमियान जो है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जबकि इस इन जो तीन एसिड्स हैं ये डिस्टेबलाइज इसलिए करते हैं कि इनकी जो है वो शेप है इस तरह की है बल्कि है तो अगर ये करीब करीब आ जाएंगे तो उसकी वजह बल्क की वजह से अल्फ़ा एलिक्स नहीं बनेगा को ट्विस्टेड और किसी और टाइप की प्रोटीन बन जाएगी दिस इज दी डायग्रामेटिक प्रजेंटेशन ऑफ द सीरिन थ्रियोन एंड सिस्टीन जो हमने कहा है कि ये डी करते हैं क्योंकि इनकी साइड चेंज जो हैं वो बड़ी बड़ी हैं बल्कि हैं बल्क हैं और इस वजह से ये इंटरफियर करेंगी क्योंकि हेलिक्स में ये आपस में उसको जुड़ने नहीं देंगी तो अगर ये होंगे भी तो ये दूर दूर होंगे करीब करीब ये प्रेजेंट नहीं होंगे साथ साथ नहीं जुड़े होंगे ये वाले अगर अल्फ़ाइल स्ट्रक्चर बनना है तो माइनो एसड्स विद चार्ज आर ग्रुप्स सच एस स्पार्टेट लाइसिन डेजूज कैन ऑल्सो डिस्टर्ब द अल्फा हेलिक्स तो हमने देखा है कि पहले वाले सीडीन थ्रियोनिन और सिक्सटीन वो भी डिस्टर्ब करते हैं वो किसी और वजह से डिस्टर्ब करते हैं वो इसलिए कि उनकी बल्की साइड चेंज थी जबकि ये जो है ना आर ग्रोप्स अगर चार्ज होंगे जिस तरह के स्पार्टेट और लाइसिन में है तो वो उसमें भी अल्फाइलिकल स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बन सकेगा दीज आर दी डायग्रामेटिक प्रजेंटेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप्स के यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पर जिस तरह के ये इन माइनोइसिड्स में इस्पार्टेट और लाइसिन में स्पेशली तो ये इस्पार्टेट एंड लाइसिन तो इसके ये अगर होंगे तो इसकी वजह से भी जो चार्ज ग्रुप्स की वजह से भी जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन पाउंडिंग एवरी फोर्थ मायनोइसड्स के साथ होनी है वो नहीं होगी इसकी वजह से अल्फाइलिक्स फॉर्मेशन नहीं बनेगी इसी तरह प्रोलिन है इन दि प्रोलिन हमने डिफाइन किया था कि एक रिंग के अंदर एक नाइट्रोजन एटम एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है अब ये यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो सकती क्योंकि ये सी एन बॉन्ड जो है और ये रिंग फॉर्म में ये रिजिड फॉर्म में होगा इसलिए जहाँ पे भी ये प्रोलिन आ जाएगा वहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया था कि मूवमेंट अवेलेबल नहीं है उसकी जो है ना अमाइनो एसिड अमाइनोसिडेजिड्यू की विद अदर बॉन्ड्स विद दैप्टाइड बॉन्ड्स तो ये रिजिड स्ट्रक्चर जब भी आएगा तो वो अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने में हिंड्रेंस काज करेगा इन प्रोलिन दी नाइट्रोजन एटम इज पार्ट ऑफ अ रिजिड रिंग एंड रोटेशन अबाउट दिस बॉन्ड ये वाला जो एनसी बॉन्ड है इज प्रोलिन रेजिड्यू इंट्रोड्यूस अ डी स्टेबिलाई किंक इन द अल्फा हिलिक्स ग्लाइसिन अकर्स इनफ्रीक्वेंटली इन अल्फा हिलिक्स फॉर डिफरेंट रीजन अभी तक हमने हर ग्रुप की जो है उसकी प्रेजेंस और नॉन प्रेजेंस जो है अल्फा हेलिक्स में वो डिफरेंट बताइए इसी तरह ग्लाइसिन की डिफरेंट रीज़न है जिसकी वजह से ये नहीं होता ग्लाइसिन अकर्स अक्करवेंटली इन अल्फ़ा हेलिक्स फॉर अ डिफरेंट रीज़न इट हैज़ मोर कन्फर्मेशनल फ्लैक्सीबिलिटी दैन दी अदर अमाइनो एसिड रेजिडू ये कन्फर्मेशनल रेजिड क्या है कि फ्लैक्सीबिलिटी क्यों है कि इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये आर ग्रुप ही एक बहुत छोटा सा है तो so, इसको जहाँ मर्जी ले जाएँ ये इस तरह जो अपने आप को फोल्ड कर लेता है कि उसका एक पर्टिकुलर कोई जो है शेप नहीं बना सकता पोलीमर्स ऑफ ग्लाइसिन टेंड टू टेक अप क्वाइल स्ट्रक्चर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दी अल्फा हेलिक्स क्योंकि इसकी आर ग्रुप आर चेन ही बहुत छोटा सा है इसलिए ये कॉयल सा बना लेता है लेकिन ये प्रॉपर अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन में जो है इसकी पॉसिबिलिटी बनाने की बहुत रेयर है